आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज वाई इक्वल टू 0.02 साइन 400 t माइनस 0.12 x। अब हमसे पूछा गया कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला पूछा गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए साइन 2π nt माइनस 2π x बाई लैम्बडा। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि 2π n। यहाँ पे दिया गया n क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, और k वेव नंबर यानी कि 2π बाई लैम्बडा। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 0.02। तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट पूछा है हमसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि ये ओमेगा इक्वल टू 400 है, तो ओमेगा यहाँ पे कितना है 2π n, यानी कि 2π n इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी या यहाँ पे n डिनोट किए हैं फ्रीक्वेंसी को, तो यह हो जाएगा n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2π। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63.6 हर्ट्ज। ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। तो पार्ट बी का हो जाएगा, पार्ट बी फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 63.6 हर्ट्ज। अब पार्ट सी में देखते हैं क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो 0.12 x दिया गया है और ये किसके बराबर है, ये k के बराबर है। तो हम जानते हैं k इज इक्वल टू 2π λ इज इक्वल टू 0.0 दिया गया है 0.12। तो ये हो जाएगा 0.12। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 52.4 मीटर। ये हो जाएगा 52.4 मीटर। तो ऑप्शन सी यानी थर्ड पार्ट में पूछा है वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 52.4 मीटर। अब फोर्थ पार्ट में इसमें पूछा है कि इंटरवल एट विच कंप्रेशन फॉलोज व रेयरफैक्शन। तो हम जानते हैं कि जो इंटरवल होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में, वो कितना होता है, वो t/2 का होता है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, t टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 63.6, तो यह जाएगा 1/63.6 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0.016 सेकेंड। इतना सेकेंड हो गया। अब जो पूछा है कि कंप्रेशन इंटरवल एट विच कंप्रेशन फॉलोज रेयरफैक्शन, तो ये इंटरवल होता है t/2। तो t/2 कितना हो जाएगा, t/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.008 सेकेंड। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट हो जाएगा t/2 यानी कि इज इक्वल टू 0.008 सेकेंड। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है वो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। यहाँ पे ओमेगा हमें दिया गया कितना 400, के दिया गया 0.12, तो ये कितना हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 0.12। और कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगा 3333 मीटर पर सेकेंड। और इसको हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये वेलोसिटी वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ वी होता है। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ से जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं कि पार्ट बी में जो इसका वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो जाएगा 3333 मीटर पर सेकेंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।